हनी सिंह। इंडिया का पहला रैपर हनी सिंह है। हनी सिंह किंग है रैप के, बहुत ज्यादा पसंद है मुझे हनी सिंह। हनी सिंह एकदम एकदम कड़क आदमी है, बोले तो बवाल आदमी। ट्रेंड उसके हिसाब से चलता है, हनी सिंह ट्रेंड के हिसाब से नहीं कभी चल रहा। रोहित सिंह के बड़े होते हैं, मैं हनी सिंह के गाने सुनकर बड़ा हुआ। हनी सिंह का याला गाना बहुत पसंद है, ब्लू आईज हिप्नोट आईज तेरी कर दिया मैंने। वो जो ब्लू आईज वाले में जो कैप का किए थे, वो ग्लास वाला किए थे भाई, बहुत अच्छा लगता है। और वो गाना मैंने नए नए करके 100 बार सुना रहेगा। तो उन्होंने मुंबई पुलिस के लिए एक अच्छा गाना था, अत्ता मजी सटकली सिंगम फिल्म के अंदर, वो अच्छा एक गाना उनका। हमारे इधर बर्थडे होते हैं तो हम लोग हनी सिंह के गाने पहले लगाते। वो बीच में नहीं थे तो उनको बहुत मिस भी किए, और उनके सामने सब पानी कम चाय जैसे। हनी सिंह भैया, आपका प्यार, आपका गाना हम लोगों के बीच आप हमेशा बनाए रखिए, और हम लोगों के बीच हमेशा रहे। बहुत दिन आपको याद किया, अभी वापस आए हैं, अब फिर मत जाना। हम आपके फैन हैं, हम आपको लाइक करते थे और करते हैं और करते रहेंगे। हनी सिंह जब वापस कमबैक किए तो ये मतलब उससे पूरी पब्लिक सब समझ गए कि बाप बाप होता है, बेटा बेटा ही रहता है। उनका आज भी एक डायलॉग बहुत फेमस है कि उन्होंने बोला था कि वो खाली सीडी भी बेचते रहेंगे तो भी वो बिकते रहेगा। हमारे लिए हनी सिंह आज भी हमारे दिल में है कि अगर खाली सीडी भी बेचेंगे तो भी हम खरीदते रहेंगे। मुझे लगता है कि शायद मेरा ज़िंदगी में मकसद ही यही है कि मैं इन लोगों को किसी तरह खुशियां दे पाऊँ मेरे गानों के थ्रू या मेरे म्यूज़िक वीडियो के, डांस या शोज़ के थ्रू। सो आई थिंक मेरे फैंस ही और मेरी फैमिली थी और मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे जिनकी वजह से मैं वापस हूँ और अब नहीं जाने वाला कहीं। मैं पूरे